वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा आवश्यक है सोचना समझना, क्योंकि मनुष्य शरीर है इतने विवेक प्रधान है, ऐसा विवेक और शरीर में नहीं है। साधारण विवेक तो साधारण शरीर में भी होता है, मनुष्य शरीर में विशेष विवेक है। ये विचार से ये कर सकता है कि इसका फल क्या हो, विचार करने की शक्ति मनुष्य में विशेष सामर्थ्य, विशेष सामर्थ्य वालों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है,
कि विशेष कर्म करे। विशेष काम के लिए अपने पास समय है, उसका सदुपयोग करे। समय हरेक को मिलता नहीं है, अपने को मिला है, समय थोड़ा है और काम बहुत है। संसार की काम धंधा बहुत है और फार्मिंग भी है। समय मिला है उसका सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग न करें, इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समय का सदुपयोग करने से उसकी उन्नति होती ही है, नियम है। जो समय का सदुपयोग कर रहा है उसकी अवनति नहीं होती, उसकी जरूर उन्नति होती है, इसमें संदेह नहीं है। वो समय का सदुपयोग दुरुपयोग करने में स्वतंत्र है, दुरुपयोग करने में और सदुपयोग करने में, इसमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है। ये भगवान के सम्मुख हो जाए और अपनी स्वतंत्रता को भगवान के अर्पण कर दे तो निहाल हो जाए। हम स्वतंत्रता दी नहीं जाती, जल्दी जल्दी नहीं दी जाती, तो सावधानी से समय का सदुपयोग करे। समय देने से सब मिलता है, लौकिक बातें मिलती है इतने ही नहीं है, अलौकिक जो परमात्मा है वो भी समय देने से मिल जाता है। समय इतना कीमती है कि सब चीजों को खरीद सकता है, परमात्मा को खरीद सकता है। मनुष्य शरीर का समय इतना कीमती है कि भगवान को खरीद सकता है, भगवान को भस्म कर सकता है, भगवान इसके भस्म हो जाते हैं। अगर ये समय भगवान के लिए खर्च करे तो समय बहुत कीमती, समय खर्च करने से भगवान भस्म हो जाए। भगवान की कृपा से ये योग्यता मिली है, योग्यता अपने घर की नहीं है, भगवान से मिली है, उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना ये अपने हाथ में है। समझ जितनी मिली है उतनी समय काफी है, समय मिला है उतना भी काफी है, हम लोग सामर्थ्य मिली है सामर्थ्य उतनी भी काफी है, उसका सदुपयोग किया जाए। अपने को समय मिला है, सामर्थ्य मिली है, वस्तु मिली है, उसका सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति एक दिन में कई बार हो जाए। एक बार होने के बाद में दूसरी बार जरूर नहीं रहती, पर समय इतना बड़ा है, परमात्मा की प्राप्ति कई बार कर रहे, इतना समय है हमारे पास। समय भगवान ने बहुत कृपा करके दिया है, योग्यता भी दी है, उसका सदुपयोग करना न दुरुपयोग करना ये मनुष्य हाथ में है। भगवान ने कृपा कम नहीं की है और कृपा कम नहीं करते हैं। केवल समय का सदुपयोग करने से हमारा कल्याण हो जाए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अपना जो समय अपने को मिला है, जो सामर्थ्य मिली है, जो वस्तु मिली है, उसी का सदुपयोग करता है और इसका समय सदुपयोग करने से इसकी वृद्धि होती है। सदुपयोग करने योग्यता की वृद्धि होती है, योग्यता बढ़ती है। योग्यता तो ऐसी है कि बढ़ती है, क्या दुरुपयोग करने पर ही बढ़ती है। योग्यता तो हमारी बढ़ती है, इसमें संदेह नहीं। सदुपयोग करने से बहुत बढ़िया योग्यता आती है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि जब कवि भगवान की बात करना चाहता है तो भगवान सरस्वती को भेजते है, वो इसके हृदय में आकर के नृत्य करती है, उससे अनेक बातें पैदा होती है। तो वो नृत्य करती है, उसे दुरुपयोग करने से
वो सरस्वती पहचानती है एक अर्थ क्या हुआ उसके पश्चाताप होता है कि मैं ठीक नहीं हो गया मेरा तो सदुपयोग दुरुपयोग करने पर स्वतंत्र है दुरुपयोग करता है तो सरस्वती भी पश्चाताप करती है इस बार दुरुपयोग करने की नहीं दी है सदुपयोग करने की दी है जैसे लाइसेंस मिलता है ना बंदूकवादी का उसका सदुपयोग करना है उसके लिए दी गई है तो दुरुपयोग करता है वो देने वाले को भी चला सकता है सलाह तो सकता ही है तो दुरुपयोग करने में वो स्वतंत्र है सदुपयोग करने में स्वतंत्र है तो दुरुपयोग न करे सदुपयोग करे इसका सदुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करे तो इसी उन्नति जरूर होगी 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 ये संदेह नहीं है दुरुपयोग करेगा तो पतन होगा वो पतन भी होगा सदुपयोग दुरुपयोग करने से पतन और उत्थान होता ये होगा परंतु सदुपयोग करने में ये स्वतंत्र है कुसंग में पड़ करके दुरुपयोग कर देता है उसका नुकसान होता है पर नुकसान को समझता नहीं उस समय अकल आती नहीं है दुरुपयोग करने लगता है तो अकल वो आती नहीं समझ में पर भगवान ने कृपा करके दी है तो योग्यता बनी हुई है योग्यता भी है बल भी है पुरुषार्थ भी है उसे भी है बल भी मिला हुआ है उसे सदुपयोग करे तो कल्याण जरूर होता है सदुपयोग दुरुपयोग करने की बात विशेष मिलती है सत्संग में सत्संग बिना मैंने सत्संग विवेक हुई राम कृपा परिशुद्ध मनुष्य हुई वो सत्संग है वो राम कृपा बिना मिलती नहीं भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है सत्संग मिलता है तब दुरुपयोग न करे सदुपयोग करता है सदुपयोग कर लेने से फिर बात बोलता हूँ दुरुपयोग मिले ठीक है सांवे सम्मत में स्पेशल स्थिति गीता प्रेस से हम गए थे तो वहाँ एक सज्जन मिले दो ढाई साल की उम्र थी जवान आदमी था कहता है जब से मैंने कल्याण खरीदा है तब से मैं मनुष्य मानता हूँ अपने को गरीब उम्र उन्नति मानते ये सिद्धि क्या हुआ सदुपयोग दुरुपयोग कर अपने हाथ की बात है पर सदुपयोग करते हुए मनुष्य उस समय में ये नहीं समझता कि मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ सत्संग से सत्छात्रों से सदविचारों से ये बात समझ में आती है सदुपयोग दुरुपयोग समझ में आता है समझ में आता है फिर दुरुपयोग करता है उसका खंडन होता समझ में आता है फिर तक सदुपयोग नहीं करता तो ये ऐसी भूल होती है ऐसा नुकसान होता है इस बार से भूल न करके असदुपयोग करना शुरू कर दे तो सदुपयोग की बातें पैदा होगी सत्य स्वाभाविक भगत पर आपको खुद वो आश्चर्य आवे जैसी पैदा हो जाएगी भगवान मददगार है संत हुए हैं भगवान हुए हैं धर्म है ये सदा ही सहायता करता है मैंने पुस्तकों में पढ़ा है संतों ने ऐसा लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहता है सच्चे हृदय से सत्संग करके कल्याण में प्रवृत्त होता है और भाव आता करने का तो जीव जंतु मात्र सब साथ होते सब सहयोग देते हैं स्त्री पुरुष भी सहयोग देते हैं संत लोग सहयोग देते हैं दूसरे लोग सहयोग देते हैं जो डाका डालने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, दुनिया को त्रस्त करने वाले हैं, वे भी उसी साथ रहते हैं। जंगल में कोई बैठा है भजन स्मरण करता है
तुम चोर डाकू की सहायता करते। अगर सदुपयोग करने लग जाए तो सबके सब सहायक होते थे। कैसी दृष्ट बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतों ने लिखा है कि वह संदेह की बात नहीं है, जरूर उसी सहायता करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात है। सत्संग के द्वारा ये सदुपयोग करना दुरुपयोग करना सीख जाता है, ये सीखता है, ये सदुपयोग करता है, फिर उन्नति इसकी स्वाभाविक होती ही है। उन्नति रहनी थी, बीच में अभिमान है, मान है, आदर है, सत्कार है, इनकी इच्छाएं भीतर रहती है, वे सदुपयोग बाध्य होती भूल जाता है। मैं अपनी बात कहूं तो आप बात बताओ, आपको आदमी भूल जाता है। वो सुनने लगता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा जानकार हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, ऐसे अभिमान आ जाता है। अभिमान से दुरुपयोग करने लगता है, वो स्वयं को सावधान रहना चाहिए। ये स्वयं की जरूरत है। सत्संग के द्वारा बातें मिलती है, बातें मिलेगी, परंतु स्वयं के विचार करने की बहुत आवश्यकता है। अवसर किए बिना दुरुपयोग करने रहता है। आप लोग जानो, हमारे तो हमारे जानने की बात आई है जी। सुनो नहीं करते, जानते हैं, जानते हुए गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी से हमारी गड़बड़ी होती है, वो उन्नति रुक जाती है। उन्नति होती होती रुक जाती है दुरुपयोग करने से। और हम जानते हैं, जान के दुरुपयोग करते हैं। सतयोग जब समाज में सीख आती है, भगवान चेताते हैं। ऐसे दुरुपयोग करने वाले को भी भगवान चेताते हैं, संत महात्मा लोग चेताते हैं, ग्रंथ चेताते हैं, शास्त्र चेताते हैं, उसको सावधान करते हैं। ये क्या कर रहा है तुम, परंतु जबरदस्ती नहीं करते। चोर डाकू जबरदस्ती करते हैं, संत महात्माओं का स्वभाव जबरदस्ती करने नहीं होता। इस वास्ते वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो न करे। इस वास्ते इसके खुद के समझने की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है कि मिला हुआ समय, मिली हुई योग्यता, मिली हुई वस्तु, उसका हम दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें सावधान। फिर उन्हें जरूर होगी, असावधानी से दुरुपयोग कर बैठता है। मान आदर के लिए, सत्कार के लिए, अच्छाई के लिए, अपना अच्छा कहने के लिए वो करने लगता है। जो करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, वो अपने मान बढ़ाई के लिए, आदर सत्कार के लिए करने लगता है। उसे गड़बड़ी हो जाती है। सत्संग में सावधानी होनी चाहिए, सत्संग में कुशल हो जाते हैं, सत्संग में कुशल। जब मान बढ़ाई की इच्छा होगी तो खुशी हो जाता है। सतयोग का वर्णन हो रहा है, अच्छी बातों का विजन हो रहा है, तो उसमें तो अपने आप को सामने रहता है। भगवान द्वाराचार का वर्णन होता है तो मनुष्य में उसमें ये मूल है, उसमें ये मूल है, उसमें ये मूल है, ऐसे सोचना लगता है। ऐसे सोचता है तो वो दुरुपयोग होता है, वो ठान नहीं पड़ता, पता नहीं रहता है। दूसरा आदमी को सामने रहता है, वो आदमी ऐसा करता है, वो आदमी ऐसा करता है, वो ऐसा नहीं करता है। अरे भाई तेरे भावे जो करो बोलो वो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन को आ, इसका होता है तब दुरुपयोग हो जाता है। नहीं तो सदुपयोग करने से उन्नति जरूर होती ही है, नियम है, भगवान का नियम है। जब दुरुपयोग करने लगता है तो सदुपयोग समय चला जाता है, बहुत चला जाए समय पीछे चेत होता है, भगवान खिला चेत टक्कर लगती है, चोट लगती है,
चोट लगती है तो समझ में बात आती है, ये समझ नहीं आती, समझ में आती है फिर समझ लग जाती, फिर उन जरूर इस बार सत्संग करने वाले भाई बहनों को चाहिए, ये जो वृंदावन का निवास है, मथुरा आदि का निवास है, अच्छे देश का निवास है, ये बहुत कल्याण करने वाला, सहायता देने वाला, इनका भी अभिमान हो जाता तो इनमें लाभ नहीं देता, औरों से अपने को विशेष समझना पड़ता है, जहां औरों के साथ में अपनी क्षमता करे और अपने में कुछ विशेषता मालूम दे, वहां से गलती होने शुरू हो जाती, कुछ अपने में विशेषता मालूम देती है ना, उसको स्वीकार कर देता है तो अवनति नहीं जाती, इस बात से सावधान रहने की बहुत जरूरत है, कभी आवश्यकता है, सावचेत रहे हरदम, दिल में जागृत ही है बंदा, हेत प्रिय हरिजन करिए पर हरि है दुख दंगा, मन में जागृत रहिए बंदा, जागृत सावधान रहना हरदम, ये दुरुपयोग अगर नहीं हो तो उन्नति जरूर होती, भगवान की कृपा से वो अपना मान लेता, अपना अधिकार मान लेता, अपना अहंकार कर लेता है, भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को भगवान को सुनते थे बात प्रेम से, साथ में रहते थे सुना नहीं पूछा नहीं, अभी युद्ध के संग पूछा तो युद्ध के संग बात फिर करेगी, भगवान के तो कहने की मन में आती है, सुनने वाला तैयार हो तो दो, युद्ध के तुम तैयार हो तू समय कह दिया, उसे समझाया ठीक कर, उस समय भी वो समझता नहीं है, परंतु बड़ी भारी कृपा हुई भगवान की, वो समझा कि माता श्री हो बहु तुम भिक्षा में भी लोगे, भिक्षा मांगना ठीक है पर युद्ध करना ठीक नहीं, तो युद्ध करना ठीक नहीं ये जो मना ये समझा नहीं, भगवान ने समझाया, समझना प्रकट आई, तो आप अभी क्या चीज है बताओ, आप हम कितने क्या कैसी योग्यता है हमारी, कैसी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि होती है, अंत में भगवान ने उसे कहला दिया करिषे वचनम तव नष्ट हो गया स्मृति लब्धा, ठीक हो गया मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, तत्प्रसाद आता अपने के पास है, अब संतोष में कसम ले है करिषे वचनम तव आप आज्ञा करो नहीं करूंगा, अब बुद्धि नहीं रहू, भगवान ने भी कहा अहंकार वहां से नहीं होती बने से नहीं, उससे मानने में कोई दोष नहीं है, पर अहंकार महाशित के अहंकार का आश्रय लेकर तो नहीं करना चाहता है, ये बात अहंकार का आश्रय ये दुर्पयोग होता है, तो दुर्पयोग भी समझ में आता भगवान की कृपा से, परंतु स्वयं सत्य सावचेत करने सावचेत नहीं होने से भाई बहुत दिन चले जाते, बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, इतना समय लगना नहीं चाहिए परमात्मा की प्राप्ति में, बहुत जल्दी होती है, परंतु अपना सदुपयोग है वे अच्छी बातें मिलती है इसमें अभिमान कर देता अपना, अभिमान सिद्ध हो जितना जल्दी उद्धार होना चाहिए इतना जल्दी नहीं होता, समय लगता है, फिर कहता है कि जल्दी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा लगता है, अरे परमात्मा की प्राप्ति तो है, अप्राप्ति की प्राप्ति संसार की होती है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति परमात्मा की होती है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य प्राप्ति प्राप्ति, पर जो करता है तो अप्राप्ति को प्राप्ति मानता है, उसको प्राप्ति मानता है शरण भी चल जाता है, इस वास्ते बड़ी सावधानी से इसमें चले, दुरुपयोग न करे तो उसी जरूर उन्नति होती ही है, नियम है, सत्संग में जो मौका मिलता है वो उन्नति का मौका मिलता है, असली
अपने पास योग्यता है, धन है, संपत्ति है, हमारी व्यवस्था है, वस्तुएं है, मौका अच्छा है, समय अच्छा मिलता है, सदुपयोग करने पर सदुपयोग की आवश्यकता है वो भगवान की कृपा से। राम मया सदुया सहन संग जब हो तो प्राणी जाने को विषय शुभ हो, विषय में लगा हुआ है, राग भोगों में लगा हुआ है, संग्रह में लगा हुआ है, मान बढ़ाई में लगा हुआ है, वाह वाह में लगा हुआ है, अच्छा कहने में लगा हुआ है, ये इसे बहुत गर्मी है, ये बहुत गर्मी है। इस बात हे नाथ हे नाथ पुकारता है हरदम, कष्ट हम ठाकी हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ ऐसे पुकारता रहे, भगवान को कहता रहे बार बार प्रार्थना करता रहे, फिर ठीक रहता। इस बार जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित चेतन दिए, कैसे करना जरूरी है, माम आश्रित चेतन दिए, मेरा आश्रय लेकर कितने करते हैं, भगवान का आश्रय लेकर कितने करते हैं, ते ब्रह्म दुर्घटन अध्यात्मी लोग शादी भूता समग्र भगवान के साथ अवसर स्वयं समग्र माम ये सात अध्याय जी का है, असंशय समग्र माम समग्र रूप जान लेता है निसंदेह मैया शक्त मदा पार्थ योग जैसे जानेगा तत्सुन दो अर्थ हो गए यथा क्या दो अर्थ हो गए यथा क्या दो अर्थ हो गए यथा क्या तथा तथा कथे जो कहूंगा वो इसमें भगवान ने सावधान किया। समग्र माम ये था क्या मैं सगुण हूँ, निर्गुण हूँ, साकार हूँ, निराकार हूँ और निर्गुण सब कुछ हूँ, मत पर तरफ नायनत केंद्रित अति मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, ये दूसरी विचार ला करके कल्पना करके अपनी मान पढ़ाई में पड़ जाता है। दूसरे देखते भगवान ने सिवाय दूसरा देखता है, दूसरा देखते हनुमान चाहता है, रथरा चाहता है, आदर चाहता है, फंस जाता है, दुर्व्यवहार कर देता है। तो असल से वो समग्र माम ये कहा करते समग्र मेरे स्वरूप उजरेगा, समग्र उजरेगा तो सब भगवान ही भगवान दिखेगा, सब भगवान दिखेगा, ठीक है पेट भगवान है, इस रूप से भगवान आए, कई युग की लीला करते है भगवान, उसमें घृणा हो जाती है, पाप करता है, अन्याय करता है, अन्याय करता है, ये करता है, भगवान की लीला है, भगवान है, भगवान है, ये भूलो मत। आप निवारण करो, कहो, प्रार्थना करो, हम भगवान सुन करके, अज्ञानी है, मूर्ख है, समझदार नहीं है, व्याख्यान देने काम पड़ता है ना, व्याख्यान देने पर पंडित पंडित होता है, पंडित हम दोष की है, दोष को जानने वाला है, दोष को जानने वाला दोष कर पंडित का नाम है दोष की पंडित का नाम है, दोषों को दोष जानता नहीं, दोष को दोष डाल के करता है ना, उत्तीर्णी दोनों को दोष समझ त्याग करना चाहिए, बात तो ये होनी चाहिए उस दोषों को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार नहीं करता है दोषी हो गया नहीं करता है, मान बढ़ाई में आदर सत्कार में दूसरे लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरे को अच्छा समझे, इस रूप से क्या इस रूप से अगर कर लेता है अपना पत्र कर लेता है, जिससे उन्नति होनी चाहिए उससे पुत्र करता है, इस बात से भगवान पुकार करे। सुतीक्षण से भगवान ने कहा था तो एक दिन भगवान ने प्रार्थना कहा, एक दिन अपने तब कहता है आप कृपा करो मैं सावधान हो जाऊं, आप कृपा करो मैं सावधान हो जाऊं, दोनों बातें कहता है, तो आपकी कृपा से होगा, हमारी सावधानी नहीं होगा,
मेरी सावधानी हो जाए, कृपा आपकी हो जाए, तब दोनों काम होगा, तब काम बनेगा। तो ये सावधान होना जरूरी है, हरदम सावधान रहे, अपना मान बढ़ाई सत्कार आदर आदि के बीच में फंसे तब इसी उन्नति होती। नहीं तो सत्संग में सत्संग करते हुए उन्नति वंचित रहता है, मान बढ़ाई प्रार्थना। इस वास्ते भगवान से कहे, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हरदम पुकारता रहे। चरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, यतन तो गए पर माम आश्रित ये आश्रित लेकर, तो भगवान साध्यता तक रहे। आश्रय नैदने पर भी चित्त है, भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान को माने जब कल्याण करे, नहीं माने तो कल्याण नहीं करे, यही बात नहीं है। भगवान यही है, नहीं माने उसको चेता थे, उसको भी समझ देते हैं, वो चेरता नहीं, पकड़ता नहीं था, तो भगवान की दया सब पर ये बंदे तो माम भगते मई के उसको तो विशेष बात है ही, पर भगवान को मानता ही भगवान है ही नहीं, तो भी कृपा करते हैं। भगवान का स्वभाव है, आदत हो जाने से, आदत पड़ी हुई तो आदत में इंसान काम करता है, कृपा करने का भगवान की आदत है, जो जाने नहीं जाने, माने नहीं माने, तो भी भगवान अपनी तरफ से कृपा करते ही रहते हैं, स्वभाव है। सूर्य का प्रकाश करना स्वभाव है, यानी सूर्य माने मैं स्वभाव प्रकाश करता हूँ, अभिमान नहीं करते, स्वभाव ऐसे भगवान की कृपा करने का स्वभाव है। वो मानता है नहीं मानता है, आपको जानता है नहीं जानता है, खंडन करता है, इस पर खंडन करता है, उस पर खंडन करता है। सूर्य का प्रकाश बंद होगा क्या, जो सूर्य की निंदा करने से सूर्य का प्रकाश बंद हो रहा है, माने नहीं माने तो सूर्य तो प्रकाश करता ही है, ऐसे भगवान तो कृपा करते। जब कभी चेतेगा तब होश आएगा, कृपा कहीं मैंने गलती गलती करता है, फिर शुद्ध हो जाता है, फिर निर्मल हो जाता है, फिर ठीक सकता है। तो भाई हरदम सावधान रहो, हरदम भगवान को पुकार, हर समय अभिमान मत करो। अहंकार से नहीं अहंकार एक प्रकार में सब कर मान्य भगवान हो, ये है चेतावश्यक। यहाँ से दो बार कर दिया, अहंकार से अहंकार मार्शत नहीं ज्योति में नहीं चाहिए, तो अहंकार का सो कुछ नहीं करूंगा, अहंकार न सोचनी मेरी बात अहंकार से नहीं सुनेगा, एक खाल में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, नहीं सुनी उसका दोष ही अहंकार नष्ट हो जाए, अहंकार के कारण नहीं सुनागा नष्ट हो जाएगा, अहंकार का शरीर तो भगवान ही बचा तो बचता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। भगवान कृपा करते रहते करते रहते करते तो अहंकार का आश्रय नहीं रहे, आश्रय भगवान का रहे। इस बात के भगवान अहंकार मार्शित नहीं है, इसी दिन से नृत्य नहीं करूंगा ऐसा मानता, पर अहंकार आपसे निकल जाता है, ये कहते तो ध्वनि होगा आपको कोई बात उसके भी नहीं होती है, अहंकार का आश्रय देता है, मैं ठीक करता हूँ, मैं ठीक समझता हूँ, इसमें बेटी होता है। ये जो मन करता है मैं समझता हूँ, ये बेसमझी का सिद्ध है, बेसमझी का सिद्ध मानता है, समझता हूँ, समझ नहीं पाए, इससे देर लगती है। मैंने विचार किया कि बात सीधी है, बहुत जल्दी कल्याण होता है, ऐसा भगवान कहते हैं, ग्रंथों में लिखते हैं, संत कहते हैं, फिर नहीं छूटती है। हम अपने स्वयं अहंकार के कारण से गौरी कर देते हैं,
अगर विगर्मी न करे तो बहुत जल्दी प्राप्त नहीं है। कुछ सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, अर्ण क्या है? अहंकार का अहंकार क्या से काम से तो भाई हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते हो हरदम भगवान को। हे नाथ हे प्रभु हे परमात्मा हे परमात्मा हे नाथ हे नाथ। तो माम आशते तंदे माम आशते तंदे भगवान का आश्रय यत्न करे कहते यत्न कर से अहंकार अहंकार आ जाता है। भगवान का आश्रय तो फिर ठीक सब सब ठीक है। ये बात है भाई, इस वास्ते भगवान का आश्रय लेकर करो। चलो तो वही भगवान करो तो भी करो भगवान का आश्रय लेकर करो। जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रय तंदी जरा मर से मुक्ति लिए जरा मरण को भी बताया जन्म नहीं बताया। जन्म तो हो चुका अब क्या बताओ। अब जरा मरण को है इनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान का आश्रय ले तो मुक्ति बजरंगी सर ठीक है। बात ऐसी है मेरे को पता नहीं लगता है। ये कहते हैं तुम थक जाते हो, मेरे को थकावट मालूम नहीं देती। मैं बोलता हूँ कहता हूँ ना तो ये लोग कहते हैं थक जाओ तो तुम्हारे बाड़ी में फर्क पड़ जाता है। ये कहते हैं मैं थकावट नहीं होती। कुछ आदत ऐसी है अहंकार है अहंकार छपर से गोपाल ये रखे तो नहीं तो बचना मुश्किल है। फिर अहंकार मार सकते न यो चेती मन जैसे वृत्ति से व्यवसाय से प्रगति स्थानीय प्रगति लगा दी। अहंकार का आश्रय न रहे अहंकार मास नहीं उससे अच्छे तो अहंकार न सोचते भगवान की कृपा से मन से बचता है। अपने चतुराई से अपने होशियारी से नहीं बचता है। कृपा माने हरदम कृपा मानते आज ही करे सो राम जी के सतगुर के संत भूली बने सो आपकी ऐसी और धारण ऐसी और धारण तुम्हें उस बीड़े न ही उस सेवक की राज प्रतिज्ञा का साई संत दास में क्या कहूँ कह गए संत अनंत आची राम जी के सदूर में संत भूली में से आप गलती नहीं हमारी अच्छी मेरे को हरी कृपा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 5 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।